बात करते हैं बिजली के बिलों की। आईपीपीस को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट ने आवाम का खून निचोड़ लिया है। हुकूमत ने मजमूई तौर पर आईपीपी से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी है। 3127 अरब की अदायगियां की गई हैं। इस्लामाबाद से यासर नजर की रिपोर्ट थी। आईपीपीएस के खिलाफ मुसलसल आवाज बुलंद होते ही ये धंधा बेनकाब होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से आईपीपीएस को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट के होशरबा अदाद व शुमार सामने आ गए। बिजली खरीदें न खरीदें, पैसे तो देने ही पड़ेंगे और हुकूमत ऐसा ही करती आ रही है। गुज़श्ता साल आईपीपीएस से 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गयी, मगर 3127 अरब की अदायगियाँ की गयी, यानी बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट कर दी गई। आईपीपी को की गई अदायगियों में 38% पैदावारी लागत आई और 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ हुआ। 85% आईपीपी की पैदावार 50% से कम, मगर अदायगियां 100% की गयी। सिर्फ 0% प्लांट फैक्टर वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गयी। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में एपको, कैपको, एचसीपीसी शामिल है। 4% प्लांट फैक्ट्री रखने वाले एक प्लांट को 7 अरब रुपए से जायद की अदायगी की गई। 8% पैदावार वाले नंदी पावर प्लांट को 15 अरब रुपए, जबकि गुंजाइश से 25% कम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 568 अरब रुपए की अदायगी की गई। 25 से 83 अरब तक बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को 1314 अरब रुपए, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी को 9 माह में 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की गई। चीनी कंपनी ने 5 माह से कोई बिजली पैदा नहीं की, जबकि 4 माह तक पैदावार 18% तक रही। अवाइनिंग शाइनिंग रोई एनर्जी को 9 माह में 95 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 83 अरब, पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट कंपनी को 26 अरब और वापटा हाइडल को 76 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की गई। बन नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 10 अरब रुपए से ज्यादा नवाजा गया। यासर नजर, आज न्यूज, इस्लामाबाद।